नोएडा प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षत्रिय समाज द्वारा सम्राट मिहिर भोज को लेकर आपको बता दें गुज्जर समाज द्वारा अपना बताने पर विरोध जताया है। पत्रकारों से वार्ता में अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने दादरी में आगामी 22 सितंबर को आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के सम्मिलित होने पर विरोध व्यक्त किया। उल्लेखनीय कि गुज्जर समाज द्वारा सम्राट मिहिर भोज के नाम से अनेक संस्था और स्मारकों का विगत वर्षों में निर्माण किया गया है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चंद महीनों पहले इस संस्था द्वारा किया जा रहा विरोध कहीं न कहीं राजनीतिक उद्देश्य से भी प्रेरित हो सकता है। उसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन। उसमें जो वन स्टॉप सेंटर है उसकी हेल्पलाइन है 181। तो 181 पे अगर कोई फोन करता है तो जो पीड़ित महिला है तुरंत उसको रेस्क्यू मैन आएगी, उसको रेस्क्यू करके ले जाएगी और वहाँ पर रखेगी। उसको वहाँ पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, उसको वहाँ पर काउंसलिंग होगी, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा और सब कुछ उसको सुविधाएं, अच्छा पौष्टिक भोजन मिलेगा। 5 दिन तक कम से कम वो वहाँ रह सकती है और उसकी पूरी सेवा होगी। उसके बाद में अगर कोई गंभीर केस है या उसके घर वाले नहीं आते लेने या कहीं नहीं उसका कुछ बनता है तो ज़्यादा दिन भी रह सकती है, लेकिन 5 दिन तो उसका वो है रहने का। उसके बाद वो जैसे उसके घर वालों से संपर्क किया जाता है तो घर वाले ले जाएँ तो वो ले जाएँ, नहीं तो नारी निकेतन में या बालिका संरक्षण गृह में वो भेज दी जाती है। तो बहुत एक ही छत के नीचे और